पढ़ाई में डाउट सबका सॉल्यूशन है डाउट नट। स्टूडेंट अगर कोई भी क्वेश्चन में आप फंस गए हो, क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो क्वेश्चन का आपको फोटो खींचना है, क्रॉप करना है और डायरेक्ट उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। चाहे वो क्वेश्चन आपका होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, यूपी बिहार महाराष्ट्र बोर्ड का हो, क्वेश्चन 6 से 12 IIT JEE मेन्स एंड एडवांस नीट का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मैथ का हो, बायोलॉजी का हो, अगर नहीं बन रहा है तो तुरंत उसका आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। साथ में कोटा के टॉप फैकल्टी जीबी सर, एनजे सर, आकांक्षा मैम, प्रिंस सर का आपको क्लास मिलेगा डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ छात्रों का विश्वास है डाउटनेट ऐप, आज ही डाउनलोड कीजिए। डाउटनेट ऐप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। VKSU के ऐसे स्टूडेंट जो सत्र 2017-20 के पार्ट थर्ड के स्टूडेंट हैं, उनका लंबित रिजल्ट बहुत जल्द जारी होगा। इसका ऑफिशियली सूचना भी जारी कर दिया है यूनिवर्सिटी और कुछ डेट को भी जारी कर दिया गया है। स्नातक पार्ट 2 प्रैक्टिकल, जिसका अभी 31 तक ये लोग जमा लेंगे असाइनमेंट, उसका प्रैक्टिकल कब से होगा चलिए जानते हैं विस्तार से। असाइनमेंट अभी जमा हो रहा है और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का VKSU exam.in वेबसाइट को फिर से बंद कर दिया गया। असाइनमेंट अभी जमा हो रहा है और एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो भी वेबसाइट है VKSU exam.in उसको फिर बंद कर दिया गया है। इस वीडियो के माध्यम से एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा आवाज़ उठाएगा कि छात्र हित में वेबसाइट को कम से कम 31 जुलाई तक तो खोल दीजिए, जिससे असाइनमेंट जमा करने जा रहे हैं छात्रों का जो भी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने का इशू है वो डाउनलोड हो जाए। आप एक बार उसको बंद किए, फिर एक सप्ताह के लिए खोले और फिर बंद कर दिए हैं। उसके बाद देखिए, स्नातक पार्ट 1 रिजल्ट सत्र 19-22 का BA BSc BCom का पार्ट 1 रिजल्ट कब तक जारी होगा। हमारा छात्र नेता से भी बात हुआ है, वो लोग से भी हम लोग बोले हैं कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके विश्वविद्यालय में आवाज़ उठाइए रिजल्ट को लेकर, क्योंकि छात्र परेशान हैं। UG और PG का फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब तक आएगा चलिए जानते हैं विस्तार से। BEd CET में नामांकन लेने के लिए सत्र 2021-23 में छात्रों के लिए जो BEd CET का एग्ज़ाम 11 अगस्त को होने वाला था, उसका डेट को चेंज कर दिया गया है। डेट को चेंज क्यों किया गया है चलिए पूरा डिटेल्स में बात करते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइए। एक आपका ग्रुप है VKSU आरा ऑफिशियल, यहाँ जुड़ जाइए। यहाँ अभी आपको 28,400 मेंबर मिलेंगे। यहाँ विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी का हर एक सूचना मिलेगा एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा और STResult.com वेबसाइट के माध्यम से। और एक ग्रुप है VKSU आरा स्टूडेंट हेल्प, यहाँ जुड़ जाइए। यहाँ 14,200 प्लस स्टूडेंट मिलेंगे। यहाँ पर एग्ज़ाम आता है तो आप एक दूसरे से डिस्कशन कर सकते हैं, तो यहाँ जुड़ना अति आवश्यक है। यहाँ ज़रूर जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक मिलेगा, वहाँ से पेज को लाइक कर सकते हैं। VKSU से जुड़ी पल पल का खबर पाने के लिए गूगल पर सर्च करें STResult.com STResult.com। गूगल पर सर्च करना है STResult.com 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 और यहाँ से एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा, जो यहाँ पर देखिए घंटा दिखाई दे रहा है। इस घंटा पर जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको आएगा सब्सक्राइब का, यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे होगा क्या, वेबसाइट पर जो भी आपका VKSU या जो भी बिहार एजुकेशन का अपडेट आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप मान लीजिए पढ़ाई कर रहे हैं, व्यस्त हैं, वीडियो नहीं देख पाते हैं, तो वेबसाइट पर जो भी लेटेस्ट पोस्ट रहेगा, जैसे आगे चल के आप लोग का पार्ट 1 का रिजल्ट आने वाला है, परेशान ना होइए। यहाँ पर जो घंटा दिखाई दे रहा है इसको क्लिक करके यहाँ से सब्सक्राइब कर लीजिए। एक आपका अलाउ का भी आएगा, अगर तो अलाउ भी कर दीजिएगा, आपका सारा नोटिफिकेशन STResult.com यूनिवर्सिटी VKSU आरा का मिलेगा। तो यहाँ पर घंटा को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। यहाँ से आप एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, सबसे ऊपर से ही देखिए यहाँ से, और यहाँ से फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा का। नीचे आइएगा तो आपको दिखाई देगा कैटेगरी, कैटेगरी के नीचे आइएगा तो आपको दिखाई देगा यूनिवर्सिटी अपडेट। यहाँ से VKSU का सारा अपडेट मिलेगा, बिहार के सभी यूनिवर्सिटी का अपडेट मिलेगा, लेकिन जो अब नया अपडेट आएगा वो आपको VKSU आरा से मिलेगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी आपका फर्स्ट पेज में ही हम लोग जो लेटेस्ट अपडेट रहता है उसको डाल देते हैं, जिससे छात्रों को दिक्कत ना हो। जैसे चलिए सबसे पहले हम लोग पार्ट 1 रिजल्ट का बात करते हैं। पार्ट 1 रिजल्ट कहाँ है, पार्ट 1 रिजल्ट चेक करने का यहाँ पर अपडेट देखिए दिया गया है। पार्ट 1 रिजल्ट चेक करने का
तो देखिए यहाँ पर आपका आ गया, जैसे ही रिजल्ट आएगा यहाँ से आप चेक कर लीजिएगा। अभी हम इसलिए बता दिए कि मान लीजिए आगे चल के व्यस्त हो गए तो आपका रिजल्ट आते ही यहीं पर आइएगा, तो बीकॉम का अलग से, बीएससी का अलग से, बीए का अलग से दिया गया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा वीडियो के माध्यम से दो दिन पहले भी आवाज़ उठाया था, आज फिर आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए आप लोग के लिए समय निकाल के हम लोग वीडियो बनाते हैं कि छात्र हित में काम हो। हम छात्र नेता से भी बात किए हैं और वो लोग से भी बोले हैं कि देखिए लगभग लास्ट जुलाई नहीं तो 5 अगस्त तक अगर रिजल्ट जारी नहीं हुआ तो आप लोग विश्वविद्यालय में आंदोलन कीजिए, और वो लोग करेंगे। छात्र हित में एनी टाइम पढ़ाई मंत्रालय लगा हुआ है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेली stresult.com पर जरूर जाइएगा, क्योंकि stresult.com आप लोग के चलाने के लिए हमें वहाँ पर पैसा देना पड़ता है गूगल को, तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा आप लोग। आप लोग के लिए इतना हम लोग सेवा कर पाते हैं। तो देखिए अब चलिए इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। इससे पहले जो वीडियो आया था उसको आप लोग उतना शेयर नहीं किए हैं। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि भिक्केएसयू के आला अधिकारियों के पास वीडियो पहुँचे, क्योंकि देखिए जो वीडियो आवाज़ उठाने वाला आता है उसको आप शेयर नहीं कीजिएगा तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि भिक्केएसयू के आला अधिकारियों के पास वीडियो पहुंचे, क्योंकि 7 महीना हो गया है असाइनमेंट पर आप परीक्षा लिए थे लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ है। रिजल्ट आपका लगभग लास्ट जुलाई नहीं तो अगस्त के प्रथम सप्ताह तक जारी हो जाएगा। अगर जारी नहीं होता है तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा छात्र नेताओं से भी बात किया है, वो लोग भी यही बोले हैं। अब चलिए हम लोग बात करते हैं पार्ट टू का, वेबसाइट बंद हो गया है उसका। पार्ट टू के छात्रों का असाइनमेंट जमा करने का अंतिम तिथि 31 जुलाई तक है, और फिर से ये लोग एडमिट कार्ड का जो भी वेबसाइट है vikesuexam.in इसको बंद कर दिया गया है। हम इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर लोग से कम 31 जुलाई तक तो आप ये वेबसाइट को खोल दीजिए कि छात्रों को दिक्कत ना हो। कभी आप एक सप्ताह के लिए खोलते हैं फिर आप बंद कर देते हैं। वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए। एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा मांग करता है कि vikesuexam.in को कम से कम 31 जुलाई तक खोला जाए, क्योंकि छात्रों का अभी भी बहुत सारे छात्रों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हुआ है। वो लोग एडमिट कार्ड डाउनलोड करके और जाके असाइनमेंट विभाग में जमा करेंगे। तो ये वेबसाइट को खोलने का काम किया जाए vikesu प्रशासन के द्वारा, vikesuexam.in वेबसाइट को, जहाँ से पार्ट टू का एडमिट कार्ड छात्र डाउनलोड कर पाएंगे। रहा बात प्रैक्टिकल कब होगा, तो लगभग 5 अगस्त के बाद। कब? 5 अगस्त के बाद लगभग सभी कॉलेज के विभाग में प्रैक्टिकल का सूचना आने लगेगा। तो डिटेल्स में वीडियो प्रोवाइड कराएगा एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। अभी आप क्या कीजिए कि मार्केट से बुक खरीद लीजिए। मार्केट से जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी ऑनर्स है, सब्सिडी है, उसका प्रैक्टिकल होता है, किसका किसका प्रैक्टिकल होता है वीडियो पहले बना हुआ है, जाके देख लीजिएगा। देखिए क्या होगा कि जिसका भी आपका मतलब ऑनर्स है, सब्सिडी है, उसका प्रैक्टिकल होगा उसका बुक खरीद लीजिए, उससे 4-5 प्रैक्टिकल उतार लीजिए, कॉपी बना लीजिए, क्योंकि डेट जारी होगा तो तुरंत आपको जाके कॉलेज में आपको कॉपी जमा करना होगा। वहाँ सर लोग कुछ लिखवाते भी हैं, क्वेश्चन लिखना होगा। सरकारी कॉलेज है तो आपका भाई भाई होगा। पूरा डिटेल्स में वीडियो बनेगा। 5 अगस्त के लगभग बाद सभी कॉलेज में सूचना आने लगेगा। कुछ कुछ कॉलेज अपने स्तर से बहुत जल्द सूचना भी निकाल लेंगे, तो आप लोग कॉलेज के विभाग में एक बार प्रैक्टिकल के बारे में जरूर जानकारी ले लीजिएगा। बीएड सीटी का जो एग्ज़ाम आपका 11 तारीख को 11 अगस्त को होने वाला था, 4 को एडमिट कार्ड आने वाला था, अभी भी आपका एडमिट कार्ड 4 को ही आएगा, 4 अगस्त को ही आएगा। तो stresult.com से कैसे डाउनलोड करना है उस समय आपको वीडियो मिलेगा। stresult.com पर डेली सर्च करते रहिए। और देखिए आपका जो भी ये 11 को एग्ज़ाम होने वाला था, अब आपका एग्ज़ाम 13 को होगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय का कुछ एग्ज़ाम मेल खा रहा था सेंटर, इसलिए अब आपका 13 को बीएड सीटी का एग्ज़ाम संचालन कराया जाएगा LMMU के द्वारा। देख सकते हैं पार्ट थर्ड रिजल्ट के लिए सूचना जारी कर दिया गया है यहाँ पर कि 2 अगस्त तक सभी कॉलेज जो भी डिटेल से जल्दी भेज दीजिए, और 10 दिन का समय दिया गया है कंप्यूटर सेंटर को कि जितना जल्दी हो सके रिजल्ट का निष्पादन किया जाए। यूजी का देख सकते हैं 25 से 10 तक आपका बढ़ गया है एडमिशन, जो भी आप ऑनलाइन कर रहे हैं यूजी पीजी दोनों का। आप लोग का पार्ट थर्ड का रिजल्ट लगभग 10 दिन बाद जारी हो सकता है, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर को भी आदेश दे दिया गया है कैसे रिजल्ट आने पर चेक करना है। stresult.com पर आप लोग जानते हैं, जाके चेक कर लीजिएगा। अब चलिए फिर से आपको stresult.com पर लेके चलते हैं। बहुत जल्द आप लोग का जो भी 20-23 के छात्र उनका परीक्षा फॉर्म भराएगा तो यहाँ से आप भर सकते हैं। लास्ट जुलाई से आप लोग का पंजीयन कार्ड भी मिलना शुरू हो जाएगा, तो कॉलेज में जाके ले लीजिएगा आप लोग। जैसे ही कुछ सूचना आएगा डिटेल्स में वीडियो प्रोवाइड कराएगा एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। अब चलिए देखिए यूजी पीजी का मेरिट लिस्ट आएगा, तो देखिए stresult.com जो वेबसाइट है यहाँ पर सबसे ऊपर में ही आपको एक दिखाई देगा vikesu यूजी फर्स्ट मेरिट लिस्ट, vikesu पीजी फर्स्ट मेरिट लिस्ट, और यहाँ से आप अपना मेरिट लिस्ट को चेक कर पाएंगे। मेरिट लिस्ट के बाद आपका ऑनलाइन
नामांकन होगा, पूरा पल पल का अपडेट इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। आपका मेरिट लिस्ट 20 अगस्त कब, 20 अगस्त के बाद ही जारी होगा, तो डिटेल्स में वीडियो प्रोवाइड कराएगा एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा और stresult.com वेबसाइट। डेली आप लोग stresult.com पर विजिट करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।